यूट्यूब पे फेमस हो गए आप? हाँ बहुत ज्यादा। हम तो वहाँ अमेरिका में भी गया। अमेरिका गए आप? आज वो कल पोखड़ा पे जो प्रिंट कैश हुआ था ना, हाँ तो जो उसके शोक में मिट आठवा के लिए मिट आठवा जो ये कुमारी होती है इनकी कभी शादी नहीं होती, इन्होंने भाई ने हमें बताया। अटक गई हाथ में, अरे क्या हो गया भाई, ये खोलो ना। ऐसे नहीं निकलेगी, मैं निकाल लूँ, मेरे को आती है, मेरे को एक्सपीरियंस। व्हेन यू मूव इट इट मेक्स अ साउंड, इट आ रही है, अच्छी सी आवाज आ रही है। मैं तेरी आंखों में उदासी कभी। हाँ भैया कैसे हो? जिस चीज का हमें बेसब्री से इंतजार था ना, आज हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं। अपने नेपाल के लास्ट दिनों में हम एक ऐसी जगह आए हैं जहाँ अगर आप लोग नहीं घूमे तो आपका नेपाल आना बेकार है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेपाल का कैपिटल काठमांडू, जो नेपाल की धरोहर है और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में गिना जाता है। अपने रूम से सुबह उठकर नहीं दोपहर में उठकर हमारी मुलाकात इन भाई से होती है जो इतनी ठंडी में धूप ले रहे होते हैं। अब हम इनसे बात करते हैं तो भाई इनका लिंक सौरभ जोशी से निकल जाता है, लेकिन सिर्फ नाम में जोशी लगा होता है। वैसे आज मैं जा रहा हूँ नेपाल के राजा महाराजा की शाही जगह जिसको दरबार स्क्वायर कहा जाता है। अब अपने रूम से 5 किलोमीटर का सफर करके हम आ जाते हैं नेपाल की मार्केट। अब यहाँ से दरबार स्क्वायर कुछ ही दूरी पर होता है, पर वो बात इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तो ये है जो हमें पोखरा में बांग्लादेशी भाई मिले थे वो काठमांडू में ही मिल जाते हैं। हाँ भैया, तो हम लोग अभी अपने रूम से आए थे निकल के और फिर हम लोगों ने बस पकड़ी थी। हमारे साथ बांग्लादेश के भाई जो हमें पोखरा में मिले थे, दोबारा हमें मिल चुके हैं काठमांडू में। और उसके बाद में हम लोगों ने बस पकड़ी थी, हमारे वहाँ पे सीन हो गया। सीन क्या हुआ था अभी? बहुत सारे बस वाला, तो उसने ना ये दिक्कत की थी। हम लोग बस में चढ़े थे, हमने रास्ता भूल के हमने कहीं यहीं उतार दो, लेकिन उसने नहीं उतारा, गेट बंद कर दिया। उसके बाद हमसे उसने कम से कम 60 रुपये लिए, तो हमने मना किया, हमने हम नहीं देंगे, लेकिन उसने जबरदस्ती करी वहाँ। काफ़ी देर तक उसने ड्रामा किया, तो हम लोगों ने 60 रुपये दिए उसको। हमने ज़्यादा सीन क्रिएट नहीं करना है यहाँ पे। खैर, हम लोग अभी थमेल मार्केट, जो थमेल काठमांडू की फेमस मार्केट है ना, वहाँ पे, और हम लोग अभी जा रहे हैं दरबार स्क्वायर। दरबार स्क्वायर यहाँ से 1 किलोमीटर है, देखते हैं कितने क्या कैसे कैसे सीन रहने वाला है। अब इस नेपाली मार्केट में घूमो और उनका कल्चर ना दिखाई दे तब तो आपको एक बड़े चश्मे की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे हर थोड़ी दूरी पर एक कल्चर शॉप मिलेगी। अब यहाँ मेडिटेशन थेरेपी से रिलेटेड बर्तनों को हैंडमेड तैयार किया जाता है। ये मेडिटेशन और थेरेपी जैसे कि यूज होता है, ये ड्रोन्स का है, खांसी का मतलब ड्रोन। जैसे यहाँ पे एक मंदिर है, हम लोग अभी चल रहे हैं छत्रपति काठमांडू में मार्केट के अंदर। यहाँ पे भी मंदिर है अभी बीच एक चौक पे। फिर हम फाइनली दरबार स्क्वायर पहुंच जाते हैं। एरिया में भीड़ थोड़ी ज़्यादा है, हम लोगों ने जैसे वीडियो में देखा था ना वहाँ पे थोड़ी कम भीड़ थी, लेकिन आज थोड़ी ज़्यादा भीड़ है। ये देखो दरबार स्क्वायर ही है। I love India. टेम्पल कौन कौन से यहाँ पे? यहाँ पे शिव जी का टेम्पल है आपको, अब जो ये छोटा वाला देख रहा है ना, वो छोटा वाला पशुपति है, जो काल भैरव। काल भैरव टेम्पल है, अच्छा अच्छा। सबसे बड़ा मंदिर काल भैरव का टेम्पल ये है। वो ये छोटा वाला, जो छोटा वाला बड़ा वाला पशुपति तो सामने गौशाला का वहाँ पे। यहाँ पे सभी का मंदिर है जो आपको चाहिए। तो दरबार इसका इसी को बोले, इसी को दरबार दरबार। अच्छा अच्छा, जो क्या नाम है पहले के राजा हुआ करते थे वो यहीं के थे। बन रहा है ना इधर, उधर पीछे बन रहा है, म्यूजियम भी पीछे ही है। आज म्यूजियम बंद है, आज दरबार बंद है। दरबार बंद है आज? क्यों, आज क्यों बंद है? आज वो कल पोखड़ा पे जो प्रिंट कैश हुआ था ना, हाँ तो जो उसके शोक में मिट आठवा के लिए मिट आठवा, हाँ उसके लिए शोक में आया। ओके ओके। नेपाली फ्लैग कितने का अंकल? ये वाला ये 250 और ये 150। आपको मैंने वीडियो में देखा था मैंने आपको यूट्यूब पे देखा। यूट्यूब पे फेमस हो गए आप? हाँ बहुत ज़्यादा। हम तो वहाँ अमेरिका में भी गया। अमेरिका गए आप? हाँ। अच्छा, आप लोग कहाँ थे? हम लोग इंडिया। अंकल बहुत ज़्यादा फेमस है, मैंने एक वीडियो में देखा था ना, वहाँ पे फ्लैग लेके गया तो ये फेमस हो चुके हैं। 2 लाख।
देन उन्होंने बताया हमें कि जो दरबार स्क्वायर है ना, प्लेन क्रैश हुआ था उसके वजह से आज वो बंद कर दिया गया, तो आज हम लोग दरबार स्क्वायर नहीं जा सकते। बहुत ज़्यादा हम लोग को अफसोस हो रहा है। खैर, हम लोग अभी पशुपतिनाथ मंदिर के पास आए थे और इधर, और अंकल आपको मैंने यूट्यूब पर देखा है, फेमस हो ना बहुत ज़्यादा अंकल, ये भी फेमस है। यहाँ पे एक वीडियो मैंने देखी, 2 लाख व्यूज है उस वीडियो पे। कितने की बांसुरी, कितने की दी है? बांसुरी बस कितने की? 1200। स्टार्टिंग 1200 की है। यहाँ सच में कोई बात नहीं करना चाहिए, उनको पता है कि ये लिंगे तो है नहीं, लेकिन फालतू पे ये ऐसी बकवास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ डेली के काफ़ी लोग आते होंगे। तो हम लोग अभी एक चौक पे पहुँचे थे, और चौक पे पहुँचने के बाद में यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत सिटी का लुक दिख रहा है, और देन उसके बाद में हम लोग अगर इधर साइड में जाते हैं तो इधर कुमारी का घर मिलेगा, जो अभी थोड़ी बहुत देर के बाद ओपन होने वाला है। तो ये देखो, ये कुमारी का घर, और ये घर बता रहे हैं कि स्ट्रक्चर है ना पूरा बना हुआ, उसके अंदर एक एक चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं मूर्ति आपको दिखेगी, हर एक चीज़ के अंदर मूर्ति आपको मिलेगी, हर गेट पे, हर विंडो पे एक ना एक मूर्ति है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ घूम करके एक बार। अब हम लोग एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जिसको भाई हमने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये होता है कुमारी का घर, जिसको एक टाइमिंग पर खोला जाता है और हमें कुमारी के दर्शन कराए जाते हैं, लेकिन अफसोस उस टाइम फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं होता है। तो चले अंदर घूमने के लिए, पहले बता दो ये घर कितना पुराना है। ये घर इसका मतलब ये है ना, ये एंशियंट पीरियड टाइप से है ना, इसलिए इधर हमारा वो होता है ना कुमारी, मीन्स हमारा एक जो लड़की होता है उसको हम पूछते पूजा करते है ना, और वो इधर रहती है, वो एक हम मानते है कि उसको लिविंग गणेश, वो एक उसका नाम एक लिविंग गणेश है, उसको हम मानते है कि हम लोग उसको पूजा करते है, उसके ओकेजन में हम एक यात्रा भी मनाते है, एक पूजा भी करते है इंद्र यात्रा, उस समय हम लोग उसे बात करते है उससे। मेन ये वाला कुमारी का मंदिर, कुमारी का मंदिर भी है, लेकिन हमारा कुमारी भी इधर होती है, लेकिन आप लोग को उधर जाना अलाउ नहीं होता। अच्छा, क्योंकि उधर हमारे गौड़े, और इसका मतलब क्या होता है ना कि इधर का एक लिविंग गणेश है, उसको हमसे मिलना प्रोहिबिटेड है, क्योंकि ये आप लोग को सिर्फ यही इतना ही दिखने मिलता है, क्योंकि अंदर जाने के लिए आप अलाउ नहीं है। हाँ भैया, हम लोग अभी कुमारी के दर्शन करके आए थे, सब गेट वगैरह बंद कर दिए थे, फोटोज वगैरह अलाउड नहीं थी वहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा हमें सही लगा। यहाँ पे ऐसा होता है कि थोड़ी देर के दर्शन होते हैं, टाइमिंग क्या होती है? 25 सेकंड से 4:20 के आसपास की टाइमिंग होती है दर्शन करने के, दर्शन कर सकते हैं, उसके बाद में आप आ सकते हो, मतलब दो मिनट या 3 मिनट ही लगते हैं दर्शन करने के लिए, वो आती है उनके बाद दर्शन कर सकते हो, आप उनसे प्रे कर सकते हो। तो ये चीज़ मैंने देखी, पहली बार मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हमें। ये इनका कल्चर है, मतलब ये नेपाली कल्चर है, तो इसमें ये चीज़ ऐड होती है। जो ये कुमारी होती है, इनकी कभी शादी नहीं होती, इन्होंने भाई ने हमें बताया, इनसे पहले भी काफ़ी ज़्यादा रह चुकी हैं, और जो अभी हैं उनकी एज कम से कम 10 साल है, 10 साल की एज है उनकी अभी। तो सॉरी उसके लिए वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि अलाउड नहीं थी वहाँ, कैमरा सारे बंद करा दिए, तो बाकी सब बढ़िया है, और ज़्यादा कुछ दिखाते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग बसंतपुर टेम्पल के पास खड़े, और यहाँ पे मार्केट लगती है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी मार्केट है, और काफ़ी अच्छा जो नेपाली कल्चर है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट किया गया है, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे, रुद्राक्ष और ये शंख, काफ़ी चीज़ें हैं, और ये पहले नेपाली लोग यूज़ करते थे। हाँ जी, आज भी करते हैं? आज तो थोड़ा कम ही करते हैं। क्यों, आजकल करना क्या, वैसे भी सेव करके है ना, पहनना हाथ में एक बार। नहीं मैंने मैंने तो सलमान खान की ब्रेसलेट पहनते हैं। ये समग्र ब्रेसलेट नहीं है, ये वाला समग्र है, सलमान खान की ब्रेसलेट। क्या प्राइस है भैया इसका? ये सब ओपन है, मतलब ये न्यू नहीं होते, ये पुराने होते सारे, बिकॉज ये वो जो टूरिस्ट आते हैं ना, उसको ये ऐसा ही पसंद होता है। अच्छा अच्छा, टूरिस्ट जो आते हैं उनको ऐसा पसंद होता है। रिंग दिखा दो, ऐसा रिंग दिखा दो दिल को छू जाए, और अभी मैं परचेस कर लूँ। नहीं मिलते नहीं, ऐसा कोई बढ़िया सा रिंग दिखा दो, मैं तो कह रहा हूँ ऐसी एक रिंग दिखा दो कि मैं परचेस कर लूँ, मेरे दिल को छू जाए। अब ये सब देखते देखते हमारे बांग्लादेशी भाई के हाथ में रिंग फंस जाती है। अटक गई हाथ में, अबे क्या हो गया भाई, ये खोलो ना। ऐसे नहीं निकलेगी, मैं निकाल लूँ, मेरे को आती है, मेरे को एक्सपीरियंस निकालने का। क्या निकालना? मेरे को एक्सपीरियंस नहीं निकालने का। कैसा हो गया? पकड़ना मेरे को यार, क्या बोलूं इस बंदे ने यार, ये उल्टा ही काम कर दिया यार। सो फाइनली रिंग निकल चुकी है, बड़ी मुश्किल से। क्या हाथ,
नहीं हम लोग हमें एक्सपीरियंस है हम निकाल लेंगे। मैं भी एक बार फंस गई थी ना तो मैंने निकाल ली थी। लो भैया अपनी अंगूठी, ये बहुत ज्यादा हार्ड अंगूठी है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे नेपाली कल्चर तो काफी ज्यादा देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे अंकल देखने को मिले वो भी फेमस थे, मतलब इतने फेमस नहीं लेकिन फेमस हैं। जैसे ये इनकी शॉप है, ये तो इजिप्ट के, इजिप्ट ये अलग अलग देश के हैं या फिर सिर्फ नेपाल के ही हैं? नेपाल के। तो ये तो इजिप्ट का है ना, ये तो जापान का है। अच्छा मम्मी मम्मी टाइप के होते हैं। प्राइस 1200 ना, 1000। साउंड बोल, अरे व्हेन यू मूव इट इट मेक्स अ साउंड, इट सो इट हेल्प्स इन स्पिरिचुअली। इसको ना ये और साउंड आ रही है, इसमें अच्छी सी आवाज आ रही है। हाय हाय, कैसी खास नेपाली नेपाली बताया, आप बता रहे 1300 इंडियन, यानी कि हम भी पड़ गया 1800 या फिर 12000 के यार, 2000 के आसपास के पड़ गया, तो बहुत ज़्यादा महंगा हमारे लिए। तो राज मंत्री वगैरह जो रहते थे ना वो इसमें रहते थे, लेकिन अब इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो आज म्यूज़ियम बंद है। तो देखते हैं हम लोग फिर, आज तो हमें निराशा मिली है यहाँ से। कल जो पोखरा में एयरप्लेन क्रैश हुआ था, उन लोगों की शांति के लिए दरवाज़ा स्क्वायर को एक दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। हमें भी यहाँ पर आके निराशा मिलती है। हम लोग पहुँचे हैं अभी बसंतपुर, जो हम लोग अभी आए थे ना यहाँ से, तो यहाँ पे पार्टी शुरू हो गई है। यहाँ पे जी नीचे का टैटू केतु, केतु और केतु। अच्छा ये काल भैरव, काल भैरव बाबा को जय। तो हम लोग मार्केट वगैरह में घूम रहे थे और पीछे तो हमें एक मंदिर और मिला है, बाकी सब बढ़िया है। अभी हम लोग जा रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, डेली यहाँ पे आते रहो।